दिनांक 15 को हम लोग को इस्लामपुर थाना में सूचना मिली कि एक वहाँ के हैं दीपेंद्र पटेल, उनके बेटे पीयूष कुमार को कुछ लड़कों ने उठा लिया है और फिर कहीं लेकर गए हैं और कुछ पैसे की मांग कर रहे हैं उनसे। मीनवाइल ये हुआ कि उनका बेटा वहाँ से निकल के उनसे भाग आया, मतलब ये प्रयास उन लोगों ने किया लेकिन ये घटना कर नहीं पाया। हिलसा डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी कर इस्लामपुर थाना पुलिस ने 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके पूर्व अपहृत बालक को बदमाशों के चुंगल से फरार हो गया था। अपहरणकर्ता 30,000 फिरौती मांग रहा था। गिरफ्तार बदमाशों में महारो गोरिया निवासी रवि रोशन कुमार, सौरव कुमार उर्फ छोटू, जहानपुर निवासी बबलू कुमार, रंजीत कुमार खगड़ी बिहार निवासी जीतू कुमार, आत्मा निवासी गुड्डू कुमार, पुनाई चौक निवासी संतोष कुमार और घनश्याम बिहार निवासी सौरभ राज शामिल है। बदमाशों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई 7 मोबाइल और 3 बाइक बरामद हुआ। डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि जहानाबाद जिला के हुलसा गंज थाना क्षेत्र के पटौली निवासी दीपेंद्र कुमार पटेल के 15 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार को इस्लामपुर से बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। किसी तरह बालक बदमाशों के चुंगुल से भाग गया। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी टीम में थानाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, दरोगा रवि कुमार गुप्ता, जलंधर मंडल सचिदानंद दास, अभिषेक कुमार, सूरज कुमार समेत अन्य सुरक्षा कर्मी शामिल थे। दिनांक 15 को हम लोग को इस्लामपुर थाना में सूचना मिली कि एक वहाँ के हैं दीपेंद्र पटेल, उनके बेटे पीयूष कुमार को कुछ लड़कों ने उठा लिया है और फिर कहीं लेकर गए हैं और कुछ पैसे की मांग कर रहे हैं उनसे। मीनवाइल ये हुआ कि उनका बेटा वहाँ से निकल के खुद से भाग आया, मतलब ये प्रयास उन लोगों ने किया लेकिन ये घटना कर नहीं पाया। ठीक इसी तरह की घटना तकरीबन एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट हुई थी इस्लामपुर थाने में, जिसमें कि अवधेश प्रसाद जी थे, उनके बेटे प्रेम कुमार को राणा प्रताप नगर इस्लामपुर के पास से, उनका कोचिंग था वहाँ से उठा लिया गया था और उठा के उनसे 20,000 रुपये की फिरौती मांगी गई थी और वो 20,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से एक नंबर के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र कराया गया। तो हम लोग पहले से इस केस में लगे हुए थे लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति का प्रयास फिर से किया गया तो हम लोगों ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और चैलेंज के रूप में लेकर के हम लोगों ने जो पहले पिछले वाले घटना में जो भी हम लोगों ने काम किया था उस काम को आगे बढ़ाया और इसमें एक पता चला कि एक संगठित गिरोह है जिसमें तकरीबन 11-12 लोग हैं जो इस तरह की घटना कर रहे हैं। तो जो परसों रिपोर्ट हुआ है घटना उसमें जो पीड़ित थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसके आधार पे हम लोगों ने जो टेक्निकल हमारा कुछ था उसमें हम लोग काम कर रहे थे उसके आधार पे और कुछ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके आधार पे हम लोगों ने पूरे गैंग को डिटेक्ट किया है। उसमें कुल 12 लोग हैं तो अभी उसमें से हम लोगों ने 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और जो शेष हैं उनके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और उनको भी बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।